हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्ष एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम एक नए लेक्चर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह को समझने का कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग पास्कल्स लॉ वगैरह को भी जानने का कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक, इसके पहले जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारा अपना प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर से आप दक्ष एजुकेशन का अपना ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी वीडियोस वगैरह, जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, और आप उसे वीडियोस वगैरह देख सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी है दक्ष एजुकेशन के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, जितने भी नए नए पीडीएफ आते हैं वो सारे एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बेसिकली बोला जाता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहेंगे? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहेंगे? डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास को हम कांस्टेंट रखते हैं, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम को हम बढ़ाते जाएंगे, डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी बढ़ता जाएगा। डेंसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम कैसे एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करके लिख सकते हैं? हम लोग एक लाइन में अगर बोलना हो कि व्हाट इज डेंसिटी, तो व्हाट इज डेंसिटी को कैसे लिखेंगे? डेंसिटी को ऐसे लिख सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी का अपना कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, ठीक है, उसको किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, या तो डी से डिनोट करते हैं या कैपिटल डी से ही डिनोट मान लो करते हैं, ठीक है। तो अब बताना है, अच्छा एक मैं लिख दो, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल डी या स्मॉल डी, कुछ भी अपने मन से, ठीक है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर डेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछा जाए कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट कैसे निकलता है, ठीक है, इसको रब करते हैं। हमको चाहिए ऐसा यूनिट किसका? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी,
तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैसे निकलेगा? मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी चीज को लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछता तो क्या होता? अगर ऐसा यूनिट तो ये है, अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछता सीजीएस सिस्टम में तो क्या होता? सीजीएस यूनिट क्या होता? हम लोग जानते हैं कि केजी का सीजीएस क्या होता है। सीजीएस के केस में सी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी फोर सेंटी, जी फोर सेंटी, जी फोर ग्राम और एस फोर सेकेंड, ठीक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि केजी की जगह क्या आएगा? ग्राम आएगा। तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा? ग्राम, ग्राम। और मीटर को किस में? सेंटी में। ये क्या होगा? सेंटीमीटर की बस, ठीक है। तो ये डेंसिटी का सीजीएस यूनिट में हुआ। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हम लोग डायमेंशन को भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन को निकालते हैं, इसको रब करते हैं। हमको क्या देखना है? हमको देखना है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास केजी में और ये मीटर क्यूब में। इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि केजी किसका? मास का। और उसको किस में डिनोट करते हैं? एम से। मीटर क्या चीज का? लेंथ का। और लेंथ ऐसे। तो ये क्या होगा? डायमेंशन निकल के आएगा। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? एम एल माइनस थ्री, ठीक है। तो ये डायमेंशन समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों का नाम सेम है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इसका पहले मीनिंग समझने का कोशिश करते हैं। डेंसिटी को हमने देखा, डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी को हम लोग जाने कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो भी निकल के रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। लेकिन रिलेटिव, ठीक है, तो रिलेटिव टर्म से तो ये क्लियर है कि वो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। अब डेंसिटी, डेंसिटी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सिंपल सा देखो कि डेंसिटी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स। अभी बेसिकली जो बात हो रही है वो आ तो लिक्विड होगा, नहीं तो गैस होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि लिक्विड का अगर बात करते हैं तो लिक्विड में हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है वो लगभग हर एक जगह इजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डेंसिटी निकल के आएगा, जो भी डेंसिटी निकल के आएगा वो किसी भी लिक्विड का बात हो, किसी भी लिक्विड का, लिक्विड जितने भी तरह के आते हो, पेट्रोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, चाहे और भी जितने, मिल्क हो सकता है, चाहे जितने भी तरह के लिक्विड है, ठीक है, उसका अगर हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में उसका डेंसिटी कितना आएगा? वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी लिक्विड का क्या डेंसिटी
होगा उसी का रेशियो जो है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे देखो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इसको नोट करना, ये कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोग अभी जानेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली ना किसी के तो रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि रिलेटिव टर्म यूज हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वाटर हर एक जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए हम लोग बेस किसको मान रहे हैं? वाटर का, कि वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का क्या डेंसिटी निकल के आएगा, और वही रेशियो क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग वाटर को ही क्यों लेंगे, वाटर को ही रिलेटिव टर्म में, मतलब वाटर को ही हम लोग बेस क्यों मानेंगे? तो वाटर को बेस इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों लेंगे? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों लेंगे? ये 5 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते थे, 3 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते थे, चाहे इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते थे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ले सकते थे, लेकिन और सब कोई डिग्री सेल्सियस को नहीं लिए, सिर्फ एक लिए है और वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन उठता है और इसका सॉल्यूशन यही है, इसका आंसर यही है कि जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं किसी का भी परसेंटेज, जैसे एक हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट में जो है टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, और अगर आप 50 लेके आते हैं तो हम कहेंगे कितना परसेंट मार्क्स आया, तो 50% मार्क्स, क्योंकि 100 में से 50 तो 50%, अगर 100 में से 40 तो 40%, 100 में से 30 तो 30%, 100 में से 98 तो कितना? 98%। मतलब अगर नीचे 100 है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी चीज को, इसी रेशियो को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 60/120 है, मतलब 120 मार्क्स का था और लाए कितना? 60। अब परसेंटेज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जितना आसानी से यहां बता दिए उतना आसानी से यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये 60 के जगह 68 रहता तो और मुश्किल। ठीक है, तब कैलकुलेट करना कितना परसेंट आया, परसेंट जो है वो कितना आया है वो बताना थोड़ा टफ होगा। ठीक है, लेकिन 100 अगर बेस है तो हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह देखा गया कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसका डेंसिटी को देखा, तो डेंसिटी मतलब क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो निकल के आता है वो आता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो 1 आता है, और अगर इसी को केजी में लेते हैं, मतलब ऐसा यूनिट में लेते हैं, ये आता है 100 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जब डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो तो 100 मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब आएगा, नहीं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो
तो जैसे ही अगर डिनोमिनेटर में वन होगा चाहे थाउजेंड होगा, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना रिलेटिव डेंसिटी निकलेगा किसी भी सब्सटेंस का, वो हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहां से एक चीज बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी का पहला इसका यूनिट क्या होगा और दूसरा इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, अच्छे से देखो और उसके बाद बताओ। इसको रब करते हैं हम लोग, देखें कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 1 ग्राम या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसीलिए हम लोग वाटर को बेस मानते हैं क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ये हमको यहाँ 1 या 1000 देता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर बेस 10 हो, 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हम लोग इजिली उसके उससे किसी के भी रिस्पेक्ट में इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन इसको रब करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है, इसका, अच्छा इसका पहले डेफिनेशन कैसा हो सकता है, डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ किसका, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द density of water at 4 degree celsius, ठीक है। ये समझ गया कि density 4 degree celsius क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अगर वहां 5 degree celsius होगा तो क्या होगा, 3 degree celsius होगा तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि बेस में 1 या 10 या 100 या 1000 वाला बेस नहीं मिल पाएगा। तो अगर बेस 1, 10, 100, 1000 वाला बेस नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा कि हमको रिलेटिव निकालने में और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहां से इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऐसा यूनिट ये क्या है, रेशियो है, ये भी डेंसिटी। जब रेशियो है और सेमी चीज का है तो क्या होगा, कट जरूर जाएगा, और कट होने के कारण से क्या होगा, नो यूनिट। और डायमेंशन भी डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, चूंकि रेशियो है, रेशियो का कोई डायमेंशन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 0.8, ठीक है, 0.8 है। फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल सीजीएस में भी और एसआई यूनिट में भी। रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि जो ऑयल है उसका सीजीएस में और एसआई यूनिट में क्या डेंसिटी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सीजीएस का कैलकुलेट करते हैं। इन सीजीएस, ठीक है, सीजीएस में रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस यहां क्या है, ऑयल है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल आएगा। अगर सीजीएस ले रहे हैं तो, और नीचे क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, इसको रब करते हैं, यहां के बाद यहां देखो, आरबी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 0.8। डेंसिटी ऑफ द ऑयल हम
हमको वही निकालना है, डेंसिटी ऑफ पॉइंट बार, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी क्या होगा, किस केस में, सीजीएस में, ठीक है। सीजीएस में कितना होता है, सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू व्हाट, 0.8 × 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये यहां से कितना निकल के आएगा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये सीजीएस में इतना निकल गया। अब ठीक इसी तरह ऐसा यूनिट में भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिए, ये समझ में आ गया। अब एसआई सिस्टम का निकाल के देखें कि एसआई यूनिट में कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, एसआई यूनिट हमको अब किसमें निकालना, अब एसआई यूनिट में निकालना। तो एसआई यूनिट में कैसे निकलेगा, आरबी कितना है, आरबी 0.8, और यहां क्या था, डेंसिटी ऑफ ऑयल बार, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लेना है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट के केस में कितना आता है, 1000 kg/m³। यहां कुछ नहीं तो 1 है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है, 0.8 × 1000 kg/m³, ठीक है। यहां से ये क्या होगा कि एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, ये 0 से ये कट, ये पॉइंट हटेगा तो यहां 10 आएगा ना, ये 10 से ये कट, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा, 800 kg/m³, और यही क्या होगा आंसर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होती है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, उस पर बेस्ट जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे को पढ़ने का कोशिश करेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।